बात बोले तो हम लोग अभी ट्रैकिंग के लिए पूरा मतलब तैयार हो चुके हैं। तो आज हम लोग पानी में उतरने वाले हैं, देख सकते हैं सब रेडी हैं। भाई आज हम एक बार जोर से भाई साहब आज पानी में उतरने वाले हो, तो कैसे महसूस लग रहा है यार? बताओ कैसे आज पानी में उतरने वाले हो भाई? पूरा रेडी तैयार लग रहे हो, बताओ अच्छा लग रहा है ना? उतरने का एक्साइटेड है? उतरने का एक्साइटेड तो है। और कुछ बोलना चाहोगे? तो अभी डैम में उतरने से पहले एक बार सबका संख्या होती है, तो अभी भिसिल लग गई है, तो सभी कोई आ रहे हैं लाइनअप में, क्योंकि डैम में उतरने से पहले एक बार लाइनअप होना करते हैं, उसके बाद संख्या होती है कि कितने आदमी मतलब कि डैम में उतरने जा रहे हैं, उसके बाद ही डैम में उतरते हैं। और डैम से मतलब कि जब बाहर निकलते हैं तो भी एक बार संख्या होती है, क्योंकि शायद जाने के बाद कोई वापस आए या फिर ना आए या फिर कहीं छूट तो नहीं गए, इसलिए तो देख रहे हैं सभी को आ रहे हैं मतलब कि यहाँ मतलब ट्रैकिंग मतलब वाटर स्विमिंग के लिए। आज फर्स्ट दिन है, इस समुद्र में उतरने की तैयारी। ये टाइमलेस में फास्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं। यहाँ सर लेना सिखा रहे हैं सांस, स्विमिंग के लिए बता रहे हैं कैसे करना है। स्विमिंग कितने प्रकार के होते हैं सर? जैसे फ्री स्टाइल, बैक स्टाइल, ये सब। देख रहे हैं कि सभी को पानी के अंदर जा रहे हैं अभी स्विमिंग के लिए। सर जैसे बताएं वैसे ही लोग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी मतलब कि जानने के बावजूद अगर कोई टीचर्स अगर हमें सिखाते हैं तो और अच्छा सीखने को मिलता है। तो देख रहे हैं कि अभी सभी कोई पानी में उतर रहे हैं, अभी मेरी बारी है तो मैं भी जा रहा हूँ। मैम देखिए, मैम भी रेडी हो गई है, अभी जा रहे हैं पानी में। देखिए नहा रहे हैं, अभी मेरा मैं भी जाऊंगा। तो चलिए ठीक, फिर यहीं तक, मैं अब अंदर जाता हूँ। एक जलपरी यहाँ पर तैर रही है। देख रहे, बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं और बहुत देर तक इसमें नहाना होता है, तो शरीर थोड़ा सा अकड़ जाता है, दर्द देता है।